नमस्कार, महानवमी का खास मौका है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बिल्कुल, महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री आपको महावरदान देगी। पूजन अर्चन कैसे करेंगे उस पर होगी विस्तार से बात। खास मेहमान और रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ निधि चतुर्वेदी। जी हाँ, तो माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है नौवें दिन, और इसी के साथ आज नवरात्र का समापन भी होने जा रहा है। और आपको बता दें कि तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कालका जी मंदिर, दिल्ली के कालका जी मंदिर से तस्वीरें हैं और झंडे वालान मंदिर की तस्वीरें। भक्तों का जो तांता है, भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही तड़के सुबह से ही देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इस दिन माँ की सिद्धिदात्री पूजा, उनके स्वरूप की पूजा की जाती है। अगले दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है यानी कल, और नौ कन्याओं का पूजन किया जाता है आज नवरात्र के आखिरी दिन, समापन के दिन। कुछ लोग अष्टमी के मौके पर भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग नवमी के मौके पर भी ये खास जो रस्म होती है उसे अदा करते हैं। ये संस्कृति का हिस्सा है और शास्त्रों में ये मान्यता भी है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का आज के दिन वध किया था और इसी के साथ नवरात्र का समापन होता है। तो जय माता दी के जयकारे से गुंजायमान है पूरा देश। जी हाँ, तो जय माता दी के जयकारे के साथ ही हम रुक करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, आपका नाम है आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत में। और साथ ही साथ सारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि वासंदानी आपको बताएंगी कौन कौन से रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ। निधि, बिल्कुल निधि, हमारे साथ गौरव हैं कालका जी से, अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और कोलकाता से हमारे साथ हमारी सहयोगी रीमा जुड़ी हुई हैं, लखनऊ से विवेक हमारे साथ हैं, भोपाल से सत्यजीत हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से सलिल हमारे साथ जुड़े हैं। निधि, आप सीधा चलते हैं कोलकाता, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा भव्य तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल रीमा, ओवर टू यू। जय माता दी, और साथ ही साथ दुर्गा जी के नौवें स्वरूप की माँ सिद्धिदात्री की अर्चना में लीन पूरा देश है, तो उस आस्था की, उस भव्यता की, उन पंडालों की खूबसूरती की तस्वीर मैं चाहूंगी रीमा के जरिए रिपब्लिक भारत के सारे दर्शक देखें। रीमा, ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल, हमने कल दिन भर और रात तक तस्वीरें दिखाई है पूजा पंडालों की, लेकिन यहाँ के हर गली में, हर मोहल्ले में आपको दुर्गा बारी की तस्वीर ज़रूर मिलेगी। यानी दुर्गा पूजा आम दिनों में भी यहाँ बहुत होती है, काली बाड़ी जिसको हम कहते हैं, और ऐसी एक दुर्गा बारी में इस वक्त मैं हूँ जहाँ पे लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूँकि हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज नवरात्र का शुभ मौका है, जिस दिन हम नौ कन्याओं की पूजन करते हैं और उसी से संपन्न होता है नवरात्र का दिन, तो ज़्यादा वक्त लोग अपने घरों में बिता रहे क्योंकि नौ कन्याओं का पूजन करना है, प्रसाद बनाना है, और मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं, और उसके बाद फिर नौ कन्याओं की पूजन में वो ज्यादा व्यस्त है। लेकिन दिन भर जो सिलसिला चलने वाला है, एक बार फिर से कल जैसा ही, यानी महाअष्टमी जैसा ही नजारा रहेगा, जब महानवमी के शुभ मौके पर कन्या पूजन के बाद एक बार फिर कोलकाता की गलियां गुलजार होंगी और लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और पूजा पंडालों का रुख करेंगे, क्योंकि त्यौहार के तौर पर इस तरीके से मनाया जाता है जैसे बिहार में छठ पूजा है, वैसे ही दुर्गा पूजा है बंगाल के लिए, क्योंकि लोग इसको उपवास तो करते ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन का उनका मौका होता है। खूब सारे नए नए ड्रेसेस पहनना, जाके बाजार में अलग अलग तरीके से शॉपिंग करना, ये हमें देखने को मिलेगा दिन भर का जो नजारा रहेगा। ठीक है रीमा, आपके पास लौटेंगे, और जैसा कि दिन चढ़ेगा जाहिर तौर पर जो तस्वीरें होंगी वो बहुत विहंगम होंगी, खूबसूरत होंगी, आपके पास लौटेंगे। अंजू निर्वाण हमारे साथ दिल्ली से हैं, झंडे वालान से, गौरव भी हमारे साथ कालका जी से, गौरव हमारे साथ झंडे वालान से हैं, और अंजू निर्वाण हमारे साथ कालका जी मंदिर से हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ वासुदेव भी जुड़े हैं लखनऊ से, सत्य विजय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। दिल्ली सबसे पहले रुक करते हैं, देश की राजधानी, झंडे वालान मंदिर जहां पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। गौरव, वहां से कितने उत्साह से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुबह से लोगों की भीड़ होगी? बिल्कुल, आज नवमी के दिन है और सुबह से ही लोग यहाँ पर, तकरीबन 4 बजे के बाद से ही लोग यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत के दर्शक जो आज मंदिर नहीं पहुँच पाए माँ के दरबार में, सबसे पहले हम उन्हें दर्शन कराना चाहेंगे। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे किस तरीके से माँ झंडे वालान देवी अब बिल्कुल उनके सम्मुख, उनके टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से बाकायदा जो नवमी के दिन का विशेष श्रृंगार जो है माँ झंडे वालान देवी का किया गया है, माँ भगवती दुर्गे का किया गया है, और साथ ही पूरे मंदिर
परिसर को जबरदस्त फूल झांकियों से सजाया गया। और उसके साथ हम देखें अगर तस्वीरों में यहाँ पर, तो यहाँ पर लगातार जो माता के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज नवमी के दिन है, लोगों को कन्याएं खिलानी होती हैं और उसके बाद इस पूरी पूजा का समापन होता है, जो कलश स्थापना होती है। तो इस वजह से लोग सुबह जल्द से जल्द यहाँ से दर्शन करके अपने घरों तक पहुँचना चाहते हैं। लौट रही हूं आपके पास, हम रीमा के पास भी चलेंगे, हमारे और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं और स्टूडियो में खास मेहमान हैं आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी। आचार्य जी, आपके साथ इस वक्त दो एंकर स्टूडियो में मौजूद है, निधि वासनदानी और निधि चतुर्वेदी, जिनको दोनों को कन्या पूजन करना है महानवमी के मौके पर। चूंकि हम स्टूडियो में मौजूद हैं शर्मा जी, तो घर जाकर हम विधि विधान के साथ कैसे कन्या पूजन करें, और क्या कुछ ऐसा वक्त भी है कि आप इतने बजे तक कर सकते हैं कन्या पूजन, ये जरा समझा दीजिए। इस सवाल का सरोकार निधि, हम दोनों निधि से है। हाँ, ये कन्या पूजन आप दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं आराम से। और कन्या पूजन में नौ कन्याएं जैसा कि विदित है 10 वर्ष तक की आयु की, 2 से 10 वर्ष तक की आयु से, और उससे पहले आप हवन एक उपला लें, उसको जो है अंगारा बना लें, गैस पर रख दें और उसको जो है थाली में ले आए और घी मेल्ट करके देसी घी और उसमें गूगल लोबान इलायची लौंग का जोड़ा अच्छा। माँ को समर्पित करने के लिए और पंचामृत भी बना लें, शहद शक्कर जो घी और दही वगैरह का मिश्रण और प्रसाद जो भी हलवा पूरी वगैरह। तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाराधि नमस्तुते नमस्तुते स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, कालिकाय नमः, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा, और उसमें लंका जोड़ा भी समर्पित कर दें अग्नि में। तो इस प्रकार से एक छोटा सा हवन हो गया और जो जो आपके गूगल और लोबान है वो भी समर्पित कर दें। उसके बाद जो पंचामृत का भोग लगाएं, 5 जो है फूल और जो है 5 प्रकार के जो फल माँ को समर्पित करें और पान भी माँ को समर्पित करें। उसके बाद जो है आप जब धूप दीप नैवेद्य चावल सब आपने चढ़ा दिए तो उन कन्याओं का तिलक करें, तिलकंते वृक्षंतो धर्म कामा सिद्धर्थे भगवते, उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद उनको विधिवत उनको उनका पूजन है, क्योंकि नवदुर्गा शक्ति, आज शक्ति का दिन है, आज सिद्धियों का दिन है, आज का एक विशाल एक एक विशाल बिल्कुल शक्ति के दिन आपने बहुत ही आसान भोजन कराएं, धन द्रव्य दें, पांव पखारें, बिल्कुल नव दुर्गाओं का ही स्वरूप बन गई है। आपने बहुत आसान विधि से आचार्य जी बताया कि कैसे पूजा अर्चना की जानी चाहिए नौ कन्याओं की और क्या कुछ मंत्रोच्चार करें, ये भी आपने बताया। हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी बने हुए हैं, अंजू के पास चले दिल्ली से, एक और लोकप्रिय मंदिर कालका जी मंदिर, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं आराधना करने माँ की। लेकिन उससे पहले भोपाल चलते हैं, सत्य विजय हमारे साथ हैं। सत्य विजय, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी, ये 4 दिन ऐसे होते हैं जो कि भोपाल में बहुत ही अच्छा ये जो दृश्य होता है बहुत अच्छा होता है, लोग बड़ी तादाद में वहां पर भी मंदिरों में आते हैं, वहां पर कितना जोश उत्साह देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आज नवमी है, नवरात्र का अंतिम दिन है, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। फिलहाल मैं एक माता मंदिर पर हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि माँ की जो मूर्ति है और उसके आसपास दियों से सजावट की गई है। यहाँ पर करीब 125 से ज़्यादा जो दिए हैं वो ज्वलित किए गए हैं, जलाए गए हैं, जिससे कि जो माँ का तप तेज है वो और ज़्यादा निखर कर सामने आ रहा है। और जो तमाम जो भक्तगण हैं आज नवमी के दिन यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं, जो मान्यता है सिद्धि रात्रि का चूँकि आज दिन है तो ऐसे में सभी सिद्धियाँ पूरी होती हैं। और पौराणिक बात की जाए तो महाकाल मतलब कि शिव जी को भी जो सिद्धि देने का काम है माँ सिद्धरात्रि ने किया था, इसके अलावा महिषासुर का वध भी किया था। फिलहाल लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में धीरे धीरे आते आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, इसीलिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ देर बाद भंडारा भी शुरू होगा और जितने भी लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं, बिल्कुल सत्य विजय आपके जरिए माँ देवी के दरबार में हमने भी मत्था टेक लिया, समझ लीजिए स्टूडियो से। इससे पहले हमारे और रिपोर्टर्स के साथ भी हम चर्चा कर रहे थे, तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हम देख पा रहे थे। चलते हैं कालका जी मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, देवी की प्रतिमा देखते ही बनती है। और अंजू निर्वाण वहां पर हमारे साथ है। अंजू,
मंदिर की भव्यता, भक्ति की शक्ति और पूजन की विधि, इस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम बात करें कालकाजी मंदिर, जो कि बहुत चर्चित और बहुत ही प्रचलित मंदिर है दिल्ली का, कन्या पूजन के लिए भी वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? लोग आ रहे हैं महानवमी के इस पर्व पर भंडारे के साथ कन्या को वहाँ पर जिमा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था आप देख पा रही हैं मंदिर परिसर में अंजू? जी बिल्कुल निधि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं दिल्ली के कालका जी मंदिर पर हूँ और ये मंदिर अनादि काल से इतना पुराना मंदिर है और अरावली पर्वत की श्रृंखला पर यह मंदिर बना हुआ है, सिद्ध पीठ है और लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों के कुल देवी भी कालका जी मंदिर मानी जाती है और जिस तरीके से आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जा रही है, नवमी का दिन है और सिद्धिदात्री जिस तरह से सिद्धियों को प्राप्त करने वाली देवी कही जाती है, उनके लिए विशेष रूप से एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाद सादी के शरणे त्रियंब के गौरी नारायणी नमस्तुते, तो इस तरह के मंत्रों का उच्चारण करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जाता है, कंजका का पूजन किया जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, जगह खड़े तक होने की यहाँ पर जगह नहीं है और यहाँ पर लोग, मैं आपको बता दूं, राजस्थान, गुड़गांव और दूर दूर से दिल्ली के इलाकों के अलावा बहुत सारे जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं, खड़े होने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। हम लोगों से बात करते हैं लगातार, यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर लाइन पर हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? मालवीय नगर से आए। पर रश इतना ही होता है, हमेशा ही रश होता है दर्शन पर। कालका देवी से जो मांगा जाता है, वो जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है? 100% 100%। 400 रुपए तनख्वाह थी, मैंने मकान बनाया, मेरा मकान बन गया। तो माता रानी की गूंज आप क्या सुनाई दे रहे हैं अंजू, हम सुन पा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं मंदिरों में। वासुदेव भी हमारे साथ लखनऊ से हैं और वासुदेव के पास चलते हैं। वासुदेव, आज तो गोरक्षपीठ में जो योगी आदित्यनाथ हैं सीएम, वो भी जाने वाले हैं, पूजा अर्चना करने वाले हैं, आज का दिन खास है रामनवमी का, क्या कुछ वहाँ पर लखनऊ में आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, गोरक्षपीठ का आपने सवाल किया, 5 दिन का कार्यक्रम होता है गोरखनाथ मंदिर में, गोरखपुर में, और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। आज कन्या पूजन का कार्यक्रम है और 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आएंगे गोरक्षनाथ पीठ में। बेहद खास कार्यक्रम होता है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर की हैं, जो कि प्राचीन मंदिर है, बेहद प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार भक्तों का जो तांता है वो लगातार बना हुआ है, लगातार भक्त आ रहे हैं, महिला पुरुष युवा वृद्ध सब कोई यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे कि इस तरीके से कतार में लग करके माँ के दर्शन करने के लिए, चूंकि आज आखिरी दिन है, नवमा दिन है, नवम सिद्धिदात्री च, ये एक जो मंत्र है अपने आप में बताता है कि किस तरीके से जो पूरे नवरात्र के 9 दिन होते हैं उसके आखिरी दिन कहीं ना कहीं जो सिद्धि की प्राप्ति होती है, लिहाजा यहाँ पर जो खास पूजा की पद्धति भी है, नारियल फोड़ करके यहाँ पर पूजा करने की परम्परा है, ज़्यादातर जो भक्त आ रहे हैं वो अपने हाथ में नारियल लेकर के यहाँ अंदर पुजारी को दे रहे हैं, उसके जरिए माता की पूजा हो रही है और इसके साथ बिल्कुल वासुदेव हम फिर से लौटेंगे आपके पास और जय माता दी का जयकारा लगवाइएगा उन भक्तगणों से जो माँ के दर पर महानवमी पर मत्था टेकने पहुंचे हैं। हमारे साथ चूंकि सारे रिपोर्टर्स हैं, किकरकर सबके पास जा रहे हैं, सलिल खन्ना हमारे साथ हैं। सलिल, जो महानवमी का महापर्व है, महावरदान के लिए हर कोई यहाँ पर हर कोई आकांक्षी है, तो भक्तगण आपके आसपास है, क्या संभव है उनकी भक्ति को रिपब्लिक भारत के दर्शकों तक पहुंचाना, बात करना उनसे, जयकारा लगवाना उनसे? देखिए, हम इस समय पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर के अंदर मौजूद हैं और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो लोग इस समय रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, माता मनसा देवी एक सिद्ध शक्ति पीठ है। मैं दिखाना चाहूँगा कि पिंडी स्वरूप में यहाँ पर माता मनसा देवी जो है, बीच में माता मनसा देवी, एक तरफ माँ लक्ष्मी और एक तरफ माँ सरस्वती जो है वो विराजमान है और मूर्ति में भी माता मनसा देवी।